ये मेरी टीम के दूसरे नॉन ट्राइबल बच्चे हैं। हमने इस गाने को बहुत ही खुशी और अच्छे से सीखा, बहुत इंटरेस्ट लेकर सीखा है। संजू CWSL की कैटेगरी में है। ही इज 72% हियरिंग इम्पेयर्ड, लेकिन हमारी PSRT शिवा मैम की मदद से लिप्स मूवमेंट, पैरों के रिदम, हाथों के इशारों से इसने गाने को लिख कर गाने को और उसके म्यूजिक को सीखा। The Nikobari people are among my speaking people belonging to the Mongolian stock of the Nikobari Island, a chain of 19 islands of in the southern eastern Bay of Bengal. Only 12 of the 19 islands are inhabited. The largest and the main island is the Great Nikobar. Nikobari's script is based on the Roman calligraphy. Nikobaris are horticulturists and pig herders inhabiting largest permanent village close to this resource. Nikobaris families are patriarchal as a rule live jointly. These families known as Dituhe. निकोबारी आदिवासी में लड़के पाजामा पहनते हैं जो कि एक शॉर्ट्स की तरह है, जिससे अलग अलग रंग के कपड़ों को जोड़कर बनाया जाता है और ऊपर बनियन पहनते हैं। लड़कियां इन्यूट यानी ब्लाउज एवं मेला यानी लुंगी पहनती है। नृत्य एवं संगीत के दौरान केले, सुपारी या नारियल की छाल से पत्तियों से सर, गले, हाथ एवं कमर की एक्सेसरीज बनाई जाती है। Favorite pastime is feasting, pig festival, and Christmas are their main occasion of celebration. और
में क्रिसमस को बड़ा दिन कहा जाता है, जिसमें दो महीने पहले से ही घर घर घूमकर कैरल सिंगिंग की जाती है और घर के मेंबर्स को क्रिसमस एवं नए साल की शुभकामनाएं दिए जाते हैं। टुडे वी आर हियर विद श्री फतेउल्लाह मोहम्मदी, हु इज द रिटायर्ड हेडमास्टर ऑफ प्राइमरी स्कूल। ही इज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग एंड इट्स म्यूजिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी वाइफ ना फतेउल्लाह पीएचडी जीबीएस एडो हिंदी इंग्लिश मीडियम ने मुझे कला उत्सव के बारे में बताया है और उसके दिन कैसा बेटी बजाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया, तो मैंने इस गाने को लिखने के लिए सोचा और इसी दिन को हमने बना दिया। सर हमें इस गाने का अर्थ बताइए। पहले तो गाने में सबको क्लिक करते हैं, इसके बाद शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से संज्ञा है। हमारी विभाजित कम्युनिटी में लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है और हम इस गाने में भी लड़कियों के बारे बढ़ने और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सर हमें ये बताइए कि ये जो गाने हैं इसकी लिपि क्या है और ये निगुबा में कैसे आई? इसका लिपि रोमन स्क्रिप्ट है और हमारे भूतपूर्व चौंद जैसन ऋषभ साहब ने इसी को लेकर हमारे निगुबा भाइयों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए जो है इसी स्क्रिप्ट को यूज़ किया है। संगीत के लिए आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? संगीत के लिए हम बांस का अकोगन माने उसको जो है कंडी बोलते हैं, कंडी बोलते हैं हम लोग म्यूजिक करते हैं और आजकल के ज़माने में हम पिटार भी म्यूजिक कह जाते हैं बजाते भी।